अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स, मेरी पिछली वीडियो पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले नाल सी। पेपर किस तरह लिखना है, किमें अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन किमें अटैम्प्ट करने ने, 16 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, किन्ने पेजेस उत्ते करना। मेरी पिछली वीडियो में मैं दस दिता है पी एम एस विच सी एस एस विच जिस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते हैं। यह एक चीज़ है जी पी एम एस के पेपर में अडिशनल है, यानी सी एस एस नहीं है, पिछली वीडियो डिस्कस नहीं होया। ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होंगे ने कि असी पंजाबी की इमला किस तरह लिखी है। पी एम एस के पेपर में 20 नंबर की तशरीह करनी होंगी, एक शेर दो जुज दिते होंगे ने उन्हें अलफ और बे, तुम उन्होंने किसी एक जुज की तशरीह करनी होगी। तशरीह करन दा की तरीका, पेपर अलफ विच क्वेश्चन नंबर 2 होंदा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ते उन्हें आई थिंक 10 नंबर दे शॉर्ट क्वेश्चन देंदा। तशरीह करन दा तरीका वेख लो मुख्तसर जिहा, अजकल पी एम एस के पेपर विच शेरां दी तशरीह आंदी। पहले ना दो कुछ अरसा पहले 5-7 साल पहले डबल सवाल होंदा सी, एक तनकीदी जायजे वाला क्वेश्चन होंदा सी या तशरीह करो, लेकिन हूँ ऐसा नहीं, हूँ सिर्फ तशरीह मस्ट है, कंपलसरी है, लाजमी करनी होगी। तशरीह का तरीका की, तशरीह करने लई क्लासिकी शायरा विचों कोई दो शायरा के शेरी टुकड़े पेपर वेज दिते जाणगे, तुसी कोई एक सिलेक्ट करना है जिहड़ा तुहानू आंदा होएगा। तशरीह का तरीका यह है कि शेर या जुज का मार्कर नाल नंबर लिखो, और अगर तुसी मुनासिब समझदे हो तो शेर भी लिख लवो पेन नाल, अगर ज्यादा लेंथी नहीं है तो। उस तो बाद क्वेश्चन जिसले तुसी आंसर लिखना है जवाब की हैडिंग दे मार्कर नाल, और राइट साइड से एक्सट्रीम राइट साइड से मैं थले जाके पैटर्न दसागा, शायर का ना हैडिंग मार्कर नाल, सिनफ का ना, शेर का मतलब, और चौथे नंबर पर तशरीह। मैं अगे डिस्कस करना वा पैटर्न अगे दिता था। तशरीह विच लिखना की है, तरीकाकार की है, उदा सब तो पहले जिहड़ा शायर जिस शायर का शेर तशरीह लई दिता गया, किसी शायर की काफ़ी तशरीह वास्ते दिती गई है, किसी शायर का अभियात सुल्तान बाहू है जिस तरह तशरीह वास्ते दिता गया है, तुसीं उस शायर का मुख्तसर जिहा तारफ और उस शायर के फिक्रो फन बारे दो चार लाइन लिखो, यानी एक पैराग्राफ लिखो, तो किस किस्म की शायरी करता है, वो मौजूआत किस किस्म के ने, और उसकी स्पेशलिटी यानी उसकी उचेचता की है, उसकी शायरी की खास गल की है। फिर तुसी कुरानी आयत का कोई अगर रेलीवेंट, क्योंकि सूफियाना शायरी सारी कुरानी मौजूआत उत्ते मबनी, किसी हदीस का अगर तर्जुम रेफरेंस तुहानू मिलता है, आयत और हदीस अरबी विच लिखण की बजाय उसका सिर्फ तर्जुमा लिखो, पंजाबी विच तर्जुमा लिखो। अगर तुसी आयत या हदीस का एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं आता फिर तुसी लिख सकते हो, नाल मैनशन कर दो कि कुरानी आयत का मफहूम इस तरह है, किसी का ना मुफक्कर फलसफी बे अकवाल मलफूजात अंग्रेजी सेइंग तुसी विच लिख सकते हो। जिस शायर की तशरीह कर रहे हो उहदे नाल मिलते जुलते दूसरे शायर के पंजाबी शेर भी लिखे जा सकते हैं, मसलन तुसी वादतुल वजूद के मौजू पर कोई तशरीह कर रहे हो शाह हुसैन की, तुसी वादतुल वजूद का, बाबा फरीद का, शाह हुसैन का, बुले शाह का, मियां मोहम्मद बख्श का, किसी का रेफरेंस विच दे सकते हो, लेकिन याद रखो उर्दू फारसी शेर नहीं लिख। 20 नंबर की तशरीह लई कम अज़ कम 4 सफ़े 2 वर्के, अगर ते शाह हुसैन बुले शाह सुल्तान बाहू ए 3 शायर ने ते एक एक चीज़ होएगी इन्हां दी, शाह हुसैन दी सुल्तान बाहू की बुले शाह की पूरी काफ़ी होएगी, सुल्तान बाहू का पूरा भी याद होएगा, कट्ठा तशरीह होएगा, लेकिन अगर बाबा फरीद के शलोक दिते हो तो वह 4 भी दे सकता, 3 भी दे सकता, 2 भी दे सकता, अगर 2 देगा फिर तुहानू हर शलोक के 2-2 सफ़े तशरीह करने होंगे, अगर 3 देगा 1.5-1.5 सफ़ा लिख लेना, अगर 2 देगा सॉरी 4 देगा फिर तुसी एक एक पेज तशरीह लिखोगे। याद रखो
बाबा फरीद के सारे श्लोक अलग अलग मौजूद होते हैं। सो तुसी कोशिश करनी है, बल्कि लाजमी है कि एक शेर पहले लिखो, उसकी तशरीह लिखो, दूसरा शेर फिर बाद में लिखो, उसकी तशरीह, तीसरा, चौथा। हाँ, यह कर लवो कि एक शायर एक पहले शेर में तुसी बाबा फरीद का तारफ, उन्होंने शायरी बारे, उन्होंने परसनैलिटी बारे, उन्होंने फिक्रो फन बारे, उन्होंने मौजूद बारे लिख चुके हो, तो तुहानूं पता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा सारे बाबा फरीद के ने, तो फिर तुसी दूसरे शेर की तशरीह नूं शॉर्ट कर लवो। उहदे च सारी डिटेल रिपीट नहीं करनी, नहीं तो एग्जामिनर नूं लगेगा कि इन्हें चारे शेरां की तशरीह एक जैसी कर दिती। ठीक है जी, हर श्लोक की तशरीह लई एक तो डेढ़ सफा तुहानूं दस दिता है। दो शेर ने, दो श्लोक ने, ते दो दो पेज, तीन श्लोक ने डेढ़ डेढ़ पेज, चार श्लोक ने एक एक पेज, क्योंकि मैं पिछले पेपर वेखे ने, उन्हें दो, तीन और चार बाबा फरीद दे दिते ने, लेकिन बाकी सारे शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, इन्हों का हमेशा एक एक ही दिता है। तशरीह करदे हां, सफ़े उत्ते कम अज़ कम तीन पैराग्राफ जरूर बनाओ, हैडिंग्स नहीं देनिया, पैराग्राफ्स के विच छोटे छोटे पैराग्राफ्स के विच लिखते जाओ। अहम गल, शेरां की तशरीह तो पहले फरहंग यानी अल्फाज के मायने नहीं लिखने, क्योंकि एग्जामिनर नूं अल्फाज मायने नहीं चाहिए, शेर का मफहूम जरूर लिख देना। ए पी एम एस पंजाबी ऑप्शनल पेपर 2016-2014 में वाला शेर आ चुके हैं तशरीह वास्ते, फॉर्मेट वेख लो। फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड ना कोए, जिउंदियां पैरां तले मोयां उपर होए। बाबा फरीद का शलोक है, शायर का नाम मार्कर नाल हैडिंग दे, बाबा फरीद अगे पेन नाल माल पॉइंट जैल पेन जिहदे नाल तुसीं पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। सिनफ का नाम शलोक मार्कर नाल लिखोगे और है शलोक पेन नाल। शलोक का या शेर का मतलब या काफ़ी का मतलब या सुल्तान बाबू का होए तो अभियात का मतलब। एक बारी उन्हें शरीफ कुंजाई की नज़म भी दिती सी, मैं बणदा संघना बूटा ठंडियां मेरियां छावां, उहदे वास्ते फिर तुसीं दसणा नज़म का मतलब। वेखो सिंपल जिहा है मतलब, यानी मतलब की लिखना, मतलब की पूरी तशरीह नहीं कर देनी, सिर्फ इन्हां मिसरियां नूं जुमलियां की सूरत विच लिख देना। ऐ फरीद, मिट्टी नूं कदी भी निंदना या बुरा नहीं कहना चाहिए, क्यों जे मिट्टी वर्गा कोई नहीं। ए पहला मिसरे का हो गया। दूसरा मिसरा, जदों तक इंसान जीउंदा है इस मिट्टी नूं अपने पैरां हेठ रखता है, पर मरण मगरों, ए ब्रैकेट च लिखता है क्योंकि यह तर्जमा नहीं है, यह वैसे ही एक्सप्लेनेशन वजाहत वास्ते है, जदों कोई भी इंसान नूं रखण लई तैयार नहीं हुंदा उदों इहो ही मिट्टी इंसान दे उत्ते आ जांदी है, यानी इंसान नूं अपने अंदर छुपा लैंदी। अगे फिर चौथी हैडिंग तशरीह मार्कर नाल, और थले वेखो तुसीं पहले मैं बाबा फरीद का तारफ लिखिया है, उही तारफ है जिहड़ा मैं इस टॉपिक के शुरू में पहला पैराग्राफ दिता हुआ। दूसरा, फिर मैं उन्हां दी बाबा फरीद की शायरी विचों कुछ चीज़ें लै लई ने कि बाबा फरीद ने सौखे ते आसान लफ्सां दे लफ्सां विच पंजाब दे अनपढ़ लोकां नूं उन्हां दी ज़बान विच ही मुखातब करके अपना सुनेहा उन्हां तक पढ़ाया। इहो वजह है भाई, दिलों निकली गल सीधा दिल उत्ते असर कर गई ते लोकां दी इसलाह होना शुरू हो गई। हुण इत्थों फिर मैं तशरीह शुरू की। बाबा फरीद शलोक विच मिट्टी दा आदर एहतराम करण दा दर्स दिंदे ने। मिट्टी दा आदर और एहतराम बुनियादी तौर पर सिंबोलिक गल है, यानी इंसान नूं चाहीदा है कि वह गरूर, तकबर, आकड़, चावड़ इन्हां सारियां चीज़ां तों परहेज करे। मैं सैयद अख्तर जाफरी की किताब चो पढ़ रहा सी तश्ती, मैनू यह चीज़ अच्छिया लगियां, मैं उन्होंने रैफरेंस नाल लिख दिखा, तुसीं यह रैफरेंस ना भी दे ते कोई हरज नहीं, तुसीं डायरैक्ट आ सारियां चीज़ां लिख सकते हो। उन्होंने दसिया कि मिट्टी के की इस्तेमाल ने और मिट्टी का की एहतराम, क्योंकि इंसान खुद भी मिट्टी का ही बनया हुआ है। अगे फिर मैं कुरान मजीद की आयत मिल गई कि मैं वो विच लिख दी, तर्जुमा लिखता। तुसी तर्जुमा ना लिखो, खाली तशरीह, तुसी आयत ना लिखो, अरबी ना लिखो, खाली तर्जुमा लिख सकते हो। रेफरेंस भी तुसी ना लिखो, जरूरी नहीं है। अगे फिर बाबा फरीद की शायरी विचों मैनू एक होर शेर मिल गया, वो मैं रेलीवेंट सी इत्थे लिख दिता।
और अखीर विच एक जुमले विच उन्हें कंकलूड कर दिता मुकदी गल की होएगी, कंकलूजन की होएगा जो शेर के जरिए सानू मैसेज दिता गया वो की है, मिट्टी नाल बने इंसान नू कदी भी मिट्टी नू निंदना यानी बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐ जी तशरीह दा फॉर्मेट सी, तुसीं इहदी प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हां चीज़ां नू मद्देनज़र रख के। यह सारा टॉपिक एक बार होर नाल पढ़ लेना अच्छी तरह तुहानू समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।